दोस्तों सभी जियो पॉस प्लस रिटेलर भाइयों और सभी जियो रिटेलर भाइयों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है और लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड जियो पॉस प्लस के अंदर यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आप सभी को मालूम है 5G आने की कगार पर है और यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर लगभग 5 बड़े शहरों के अंदर 5G सर्विसेज लॉन्च भी कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी खबर ये है खासकर रिटेलर भाइयों के लिए कि 5G सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर अच्छी खबर टीम की तरफ से ये आई है कि आने वाले दिनों में आपको जियो पॉस प्लस के अंदर 5G अपग्रेडेशन से रिलेटेड बहुत जल्दी लेटेस्ट अपडेट मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर 5G अपग्रेडेशन होगा और 5G डिवाइसेस से रिलेटेड जो रिटेलर भाई 5G डिवाइसेस को सेल करना चाहेंगे या 5G डिवाइसेस के कमीशन कमाना चाहेंगे उनके लिए 5G से रिलेटेड बहुत अच्छा अपडेट निकल कर आएगा। आप सभी को मालूम होगा जियो फोन नेक्स्ट आया था अपग्रेड ऑफर, इसी से रिलेटेड ये जियो फोन नेक्स्ट अपग्रेड ऑफर जियो पॉस प्लस के अंदर ऐड कर दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही 5G सर्विसेज आपके एरिया में शो होंगी यानी कि आपके एरियाज में काम करनी शुरू करेंगे तो आपके जियो पॉस प्लस के अंदर इसी तरीके से 5G डिवाइस अपग्रेड ऑफर चला दिया जाएगा। जी हाँ, सभी रिटेलर भाइयों के लिए ये ऑफर लाइव हो जाएगा। जितने भी रिटेलर भाई होंगे वो 5G अपग्रेडेशन के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनको 5G डिवाइस ज़्यादा सेल होंगी और जितने रिटेलर भाई 5G डिवाइसेस को सेल करेंगे या किसी भी तरीके का अपग्रेडेशन करेंगे जो भी टीम की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो सभी रिटेलर भाइयों के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, खासकर उन रिटेलर भाइयों के लिए पास जिसके पास जियो पॉस प्लस की आईडी है। जी हाँ, जियो पॉस प्लस के सभी रिटेलर भाइयों को जब 5G अपग्रेडेशन का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, जैसे दूसरे ऑप्शन मिलते हैं जियो फोन नेक्स्ट अपग्रेडेशन या ऑनलाइन ऑर्डर ASP, ये तो सभी जियो रिटेलर भाइयों के लिए ये डिवाइसेस सेल करने से रिलेटेड ऑप्शन आए थे, तो यहां पर जियो पॉस प्लस के अंदर भी अगर इस तरीके का 5G से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएगा तो वहां पर सभी रिटेलर भाई उसका फायदा उठाकर जब 5G अपग्रेडेशन करेंगे और अपग्रेडेशन करेंगे तो ज्यादा कमीशन कमाएंगे। तो अगर आप भी एक रिटेलर हैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा।